स्कॉर्पियो एन मॉडल Z4 फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल गेस द मॉडल। दोस्तों गेस द मॉडल में द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने लो बीम हाई बीम में हाई पावर ओसराम की LEDs इंस्टॉल की है। ये कार में फोक लैंप्स नहीं लग के आते हैं, विथ द DRLs के साथ हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है एंड प्लस उसके जो कवर्स आते हैं वो हमको लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये जेन्युइन फोक लैंप्स इंस्टॉल होती है। दोस्तों द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार आपके सामने है, हमारे पास फ्रंट ग्रिल भी आ चुकी है लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसी के लिए हमने इंस्टॉल नहीं की है। द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में, ये कार में अलॉय व्हील नहीं लग के आते हैं, द 17 इंचेस के अलॉय व्हील हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं, महिंद्रा जेन्युइन के आते हैं, 14,500 रुपीज़ पर पीस के आते हैं। दोस्तों कोई टायर्स वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग टायर में ही फिट होते हैं। द लुक स्टैंड आउट आप लोगों के सामने, अगर गेस द मॉडल बोला है तो सब जेन्युइन चीज़ें इंस्टॉल होगी। जेन्युइन चीज़ों में महिंद्रा जेन्युइन के डोर वाइज़र हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं जो सेट ऑफ 4 पीसेस के आते हैं। लोअर विंडो गार्निश, ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, ये कोई स्टिकॉन प्रोडक्ट नहीं है, ये रिप्लेसेबल लोअर विंडो गार्निश हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है और लुक स्टैंड आउट आप देख सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग ये ही गार्निशिंग लग के आती है, इस पर क्रोम्स वगैरह हम चिटका सकते हैं लेकिन मुझे नहीं करना था। अगर मुझे गेस द मॉडल का स्कॉर्पियो एन का प्रोजेक्ट बनाना था तो मुझे ये चीज़ रिप्लेस करनी थी। द लुक स्टैंड आउट आप लोगों के सामने, द हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है क्योंकि समर सीजन का टाइम है तो हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब आएंगे इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार में। इंटीरियर बाय द विगाटो वो एक नेक्स्ट लेवल एक वॉव फैक्टर रहता है। वॉव फैक्टर ऐसा रहता है जो इसके जो ट्रिम्स हैं हमने पियानो ब्लैक जो हाई ग्लॉस ब्लैक आते हैं वो किए हैं, इसमें रेगुलर मैट फिनिश के आते हैं। ये जो सिल्वर मेटालिक्स आप हैंडल्स भी देख रहे हैं ये कार में ये भी नहीं होके आते हैं, वो भी किए हैं और जो इनर हैंडल्स हैं उसे भी हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का किया है। दोस्तों एक ये हाई ग्लॉस ब्लैक करने के बाद जो लग्जूरियस फील आता है दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल। ये कार में एक्टिव एम्बियन लाइटिंग भी हमने इंस्टॉल की है। एक्टिव एम्बियन लाइटिंग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसे परफेक्शन के साथ लगाना वो बड़ी बात है जिसके लिए हम जाने जाते हैं और वो काम करते हैं। आप देख सकते हैं सीट कवर कॉफ़ी कलर के सीट कवर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं विद द सेंटर परफोरेशन के साथ है। एक एक स्टिच एक एक फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं। सेम कलर की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। फ्रंट में भी मेटालिक सिल्वर हैंडल, पावर विंडोज के पैनल और इनर हैंडल्स हमने हाई ग्लॉस ब्लैक किया है। दोस्तों दिस इज द लग्जूरियस सीट कवर की हमारी फिटमेंट फिनिशिंग विद द सेंटर परफोरेशन, एक एक बकेटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं और सेम जो इंटीरियर का कलर है हमने वो ही कलर ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। सेंटर की आमरेश में भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। जो एसी के जो पैनल्स आते हैं इसे भी हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का हमने किया है, एग्जिस्टिंग में ये भी नहीं लग के आता है। दोस्तों ये भी एक कलाकारी है जो मैं हर वक्त बोलता हूँ आप लोगों को। तो एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं दोस्तों इसके अंदर, बहुत ही प्यारी लगती है ये कार के अंदर जो हमने इंस्टॉल की हुई है। और प्रॉपर इसके अंदर ऐप्स भी है, इसके अंदर स्विचेस भी है, जैसी चाहिए आप रख सकते हैं। लेकिन गेस द मॉडल बोला है तो एक चीज़ आप भी सोचे होंगे कि क्या चीज़ नहीं बोली है। ये कार में हमने एग्जिस्टिंग प्लेयर को रख के हमने कोई एम्पलीफायर इंस्टॉल नहीं किया है, चारों डोर में प्रीमियम डैम्पिंग की है और सोनी के ES सीरीज के चारों भी कंपोनेंट हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। दोस्तों मैं जेन्युइनली बोलता हूँ एक बार इसे लगा के इसे फील करके इसका इफ़ेक्ट सुनिए आप भी मान जाओगे कि मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। तो ये तो प्रोजेक्ट हमको लेना ही था क्योंकि ये कार के भी काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं हमको एक गेस द मॉडल के लिए, लोअर विंडो गार्निश, रिप्लेसमेंट, जेन्युइन डोर वाइज़र और जो सी आर्क है ये भी महिंद्रा जेन्युइन का हमने इंस्टॉल किया है, ये कार में नहीं लग के आता है। दोस्तों देखिए एक 10 चीज़ें ही अपग्रेड की है लेकिन वो 10 चीज़ें अपग्रेड करने के बाद लुक
टोटली अलग हो जाता है। ओनर ऑफ द कार मीत हमारे साथ हैं, स्कॉर्पियो इनके, हमारा भी फर्स्ट वीडियो है। ये आए मेरे पास कि तन्वी सर गाड़ी तो आप ही से बनानी है, जितने दिन चाहिए ऑर्डर के लिए लीजिए, लेकिन मुझे भी प्रोजेक्ट करना था ये वाली कार का, क्योंकि ये कार की काफ़ी सारी डिमांड है और इतने मुझे फ़ोन आते हैं ये चीज़ के लिए, तो मुझे तो करना ही था। कैसा रहा एक्सपीरियंस गेस्ट द मॉडल बनाने का, मीत से भी तो जानेंगे, क्योंकि एक एक जो हाई ग्लॉस हमने किया है ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ये चीज़। और मीत कैसा रहा? तन्वीर भाई एक ही बात बताऊंगा, मज़ा आ गया। ऑनेस्टली काफ़ी मज़ा आ गया। मैं एक्चुअली एक चीज़ कहना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि तन्वीर भाई के पास आप एक साइड से गाड़ी लाओ, दूसरे साइड से सोना निकलेगा, ये मैं बोलना चाहूँगा। बहुत मज़ा आया तन्वीर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और मेरे को इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा, सोनी हाई रीज का ES सीरीज का लगाया, जो ना ही मैंने ये कार के अंदर एम्पलीफायर लगाया है, ना ही मैंने कोई हूफर लगाया हुआ है, लेकिन ES सीरीज इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट, जो मैं हर वक्त हर कस्टमर को मैं यही चीज़ सजेशन देता हूँ, क्वालिटी स्पीक्स, क्वालिटी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है ये है। लेकिन तेरे वीडियो जाने के बाद अभी इतनी मेरे पास इसकी लाइन लगेगी ना, क्योंकि मैं सच्ची बोलूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ अपने, मुझे इतने फ़ोन आए, मैंने खुद ही ये प्रोजेक्ट नहीं लिया था, क्योंकि मेरी क्रेटा क्रेटॉन और वो सब चीज़ें तेरे सामने ही है कि कहाँ कहाँ से लोग आज तेरे सामने देख। अब मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, 2 मिनट्स हार्डली लिया, हैदराबाद से आए चाबी दी क्रेटॉन बना दो, वो कहाँ से आए गुजरात से आए क्रेटॉन बना दो, मतलब मैं थैंक यू आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को, भले मैं स्कॉर्पियो एन का वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक नाम दिया था वो चीज़ को क्रेटॉन का, कस्टमर आके सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं टेक द की। और ये भी जो कार मैंने बनाई हुई है, मीत ने मुझे चाबी दी, ये मुझे रिक्वायरमेंट है, झाक झिक मुझे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन काम एक ऐसा करके दो कि मज़ा आ जाए, हमने भी वही काम किया हुआ है। थैंक यू मीत, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू। तो ये वीडियो, ये स्कॉर्पियो एन आपको किस तरीके से लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।